हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का गृह कार्य, जो कि दिनांक 19 अगस्त 2021 को दिया गया है। यहाँ दे रखा है हमें कैन और कैन नॉट का यूज़ करना। यूज़ कैन नॉट, कैन एंड द वर्ब फ्रॉम द पिक्चर टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पिक्चर्स दे रखी है, जहाँ पर हमें वर्ब दे रखी है उनके साथ ही इन वर्ब्स को हमें कैन या कैन नॉट के साथ में यूज़ करना है दिए गए ब्लैंक्स में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एग्जांपल दे रखा है ही कैन नॉट जंप। तो यहाँ फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें क्या हो रखा है, एक लड़का है जो पैर से चल नहीं सकता है। तो यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट जंप। तो यहाँ एग्जाम्पल ये दे रखा है। इसी तरह से हम नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, सेकेंड में दे रखा है स्विम, और क्या दे रखा है पिक्चर में, मेंढक यानी फ्रॉग। तो यहाँ फ्रॉग क्या हो सकता है, स्विम कर सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट कैन स्विम। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर थर्ड है, उसमें क्या है, एक लेडी है जो कि लिख रही है। तो यहाँ यूज करेंगे हम शी कैन राइट। फोर्थ पिक्चर है जिसमें स्विम लिखा हुआ है, जबकि बच्चा क्या हो रहा है, डूब रहा है, यानी कि इसको तैरना नहीं आता है। तो यहाँ यूज करेंगे हम ही कांट स्विम। नेक्स्ट पिक्चर फिफ्थ में है सिंग वर्ब, जिसमें कुछ बच्चे गा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, दे कैन सिंग। सिक्स पिक्चर में एक लड़की खेल रही है और वर्ब क्या दे रखी है, प्ले। तो यहाँ यूज करेंगे शी कैन प्ले। सेवन पिक्चर में सी दे रखी है वर्ब और एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि देख नहीं सकता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट सी। एट पिक्चर है जहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है फ्लाई, और यहाँ क्या दे रखा है, कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दे कैन फ्लाई। तो ये था क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स के गृह कार्य भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।